बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कार्नोट साइकिल डिस्कस कर रहे थे। और हाँ, आवाज दिया तो कार्नोट साइकिल बताया था बच्चों कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। लेट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए और इट इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद फिर एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा तो ये फास्ट रेट से जाएगा, ऐसा होगा। तो ये पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड देन वी विल डू कंप्रेशन। सो इसको कंप्रेस करते हैं कैसे, एडियाबेटिक के बाद फिर अल्टरनेट आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या, आइसोथर्मल क्या, इसका स्लोप कम होगा इसलिए इससे नीचे रखा है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, लेट्स ये पॉइंट डी एंड देन एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसका स्लोप ज्यादा होगा ऐसा। ग्राफ तुमने ड्रॉ कर लिया होगा, अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, स्लो चल रहा हूं। मुझे निकालना था वर्क डन। ये पॉइंट टी ए, इस पॉइंट का टेम्परेचर टी बी। सो क्या हमने बताया था बच्चों, टी ए इज इक्वल टू टी बी होगा बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है ए बी, और टी सी इज इक्वल टू टी डी होगा। यहां तक में किसी को दिक्कत? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। कोई बता सकता है टीए और टीसी में क्या रिलेशन होगा, या टीबी और टीसी में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कम होगा? टीए ज्यादा होगा, टीए और टीबी इक्वल है और टीबी ज्यादा होगा, टीसी कम होगा। रीजन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम ने वर्क किया तो एनर्जी खर्च किया एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा क्यू जीरो है तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू निगेटिव होगा, निगेटिव होगा इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा। So, TC will be less than TB. Okay? यहां तक क्लियर? अब मुझे निकालना ये है, पहले तो एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट का वॉल्यूम VA, इस पॉइंट का वॉल्यूम VD, इस पॉइंट का वॉल्यूम VB और इस पॉइंट का वॉल्यूम VC। वॉल्यूम में भी रिलेशन निकालना, बट देखते हैं कि जरूरत कहां पे है।
हमने कहा था निकालने के लिए वर्क डन फॉर द प्रोसेस ए बी, लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, करवाया था यहां तक सब, वर्क डन फॉर द प्रोसेस ए बी कितना होता है एन आर टी ए एल एन वी बी अपॉन वी आई। होप कि यहां तक तो सबको क्लियर आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। और डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस ए बी, डेल्टा यू जीरो है तो यही हो जाएगा एन आर टी एल एन वी बी बाई वी ए, डेल्टा यू जीरो है। फॉर द प्रोसेस बी सी एडियाबेटिक प्रोसेस है, बच्चों बताओ क्या लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी दैट मीन्स टी सी माइनस टी वी अपॉन वन माइनस गामा, याद आ रहा है कुछ एडियाबेटिक प्रोसेस में एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एम, व्हाट इज डेल्टा क्यू जीरो। फॉर द प्रोसेस सी डी व्हाट इज वर्क डन एन आर टी सी एल एन वी डी बाई बी सी। देखो ये सवाल ही सोचो सवाल है, इस वर्क डन फॉर द सी डी प्रोसेस, सी से डी कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन, वी डी छोटा है वी सी बड़ा है बच्चों, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा दैट मीन्स टोटल निगेटिव, और दिख रहा है कंप्रेशन हो रहा है। व्हाट इज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू भी यही हो जाएगा एन आर टी सी, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है एल एन वी डी बाई वी सी, लेकिन पता है वी डी छोटा है इसको लिख सकते हो माइनस एन आर टी सी और इसको उल्टा कर दो एल एन वी सी बाई वी डी, और लास्ट बचा डी ए प्रोसेस। अभी तक 61 स्टूडेंट आए, अभी भी बचे हुए बच्चे। फॉर डी ए प्रोसेस बच्चों क्या होगा, वर्क डन यही वाला फंडा एन आर टी ए माइनस टी सी, टी ए माइनस टी सी सॉरी टी डी अपॉन वन माइनस गामा, है ना। अब यहां से देखना टी सी और टी ए तो इक्वल है, टीबी इक्वल है सर, टीबी टीबी सर टीसी और टीडी इक्वल है, तो टीसी को टीडी इसको लिख सकते हैं, और यहां देखो टीए को टीबी लिख सकते हैं, तो देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है और अपोजिट साइन का है, टीसी की जगह पे टीडी पुट कर दो और टीए की जगह पे टीबी की जगह पे टीए, है ना। K
किसी को नहीं समझ में आया तो यहां पे लिख रहा हूं टीसी माइनस टीबी इज इक्वल टू एक काम करता हूं ऐसे लिख देता हूं तुम ज्यादा अच्छे समझोगे टीबी इज इक्वल टू टीए है इसी को लिख दिया और टीसी इज इक्वल टू टीडी है अब ये और ये सब सब्ट्रैक्ट कर लो तो टीबी माइनस टीसी इज इक्वल टू टीए माइनस टीडी टीए माइनस टीडी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीसी ये टीसी माइनस टीबी है ये दोनों इक्वल है ना पॉइंट है या नहीं है व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी डी ए साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ये सबका समेशन दैट मींस इसका समेशन तो जीरो हो गया ये और ये बचा क्या बच जाएगा एन आर टी ए एल एन वी बी अपॉन वी ए और ये बच्चों इसको VC माइनस BD लिख देता हूं तो माइनस एन आर टी सी शायद यहां तक हमने डिस्कस किया था एल एन वी सी बाई बी डी ये हो गया वर्क डन व्हाट इज टोटल डेल्टा क्यू पॉजिटिव डेल्टा क्यू फॉर दिस प्रोसेस क्योंकि सर ये डेल्टा क्यू ये तो जीरो है इसमें भी जीरो है और ये तो निगेटिव है तो पॉजिटिव डेल्टा क्यू सिर्फ ये रहा पॉजिटिव डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा एन आर टी एल एन वी बी अपॉन वी ए बताओ यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को अभी भी सारे बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं 70 तक जाता है स्ट्रेंथ 62 ही है अपूर्व पाटिल यहां तक क्लियर पॉजिटिव डेल्टा क्यू यस सर इफिशियंसी कैसे निकालेंगे बच्चों टोटल वर्क डन अपॉन टोटल पॉजिटिव हीट सप्लाई वर्क डन इन ए बी सी डी ए पास साइक्लिक प्रोसेस अपॉन पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव हीट सप्लाई सो दिस अपॉन दिस हमारे पास जगह कम है This upon this, तो क्या हो जाएगा देखो ये टर्म तो सेम है ये हो जाएगा वन माइनस दिस बाय दिस एनआर तो दोनों में है टीए अपॉन टीसी और एल एन बीसी अपॉन वीडी होल डिवाइड बाय एल एन वीबी अपॉन वीए बच्चों ये आ गया इफिशियंसी किसका इस साइकिल प्रोसेस का ये कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी लिखा है यहां तक नोट डाउन कर लो बट ये डेफिनेशंस की तुम्हें डेरिवेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी बट हर प्रोसेस में हमने वर्क डन लिखा डेल्टा क्यू लिखा डेल्टा यू के बारे में बताया तो ये सीखने वाली चीज थी बट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है रट्टा कहां मारना अभी बताऊंगा अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या इक्वल है क्या एक्चुअली देखोगे तो इक्वल आएगा तो हमें प्रूफ करना है यहां पे ऐसे लिख देता हूं प्रूफ दैट वीसी बाई बीडी इज इक्वल टू वीबी अपॉन वीए देखना बच्चों VC by VD, this by this is equal to this by this ये प्रूफ करना ओके PV gamma is equal to constant होता है adiabatic process के लिए
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी होता है, ये पढ़ाया क्या? यस सर। टी को लिख दो एन आर टी बाई वी तो यही आ जाएगा। अब कहोगे सर ये इक्वेशंस क्यों लिख रहे हैं, देखो मुझे ना एडियाबेटिक प्रोसेस ये वॉल्यूम में रिलेशन लिखना है, वी 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 सी में, वी ए वी डी में। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बी सी तो ये लिखना मैं प्रीफर करूंगा, बिकॉज अभी हम टेम्परेचर में कुछ रिलेशंस पता है टेम्परेचर का, इसलिए टी और बी का रिलेशन लिखेंगे कंपेयर टू पी और इसका। तो यहां से लिखते हैं टी बी और टी सी में, टी बी और वी बी टू द पावर गामा माइनस वन दैट इज इक्वल टू टी सी वी सी टू द पावर गामा माइनस वन। सो टी बी अपॉन टी सी, सर टी बी और टी सी इक्वल कैसे आए? इक्वल कहां लिखा? टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है बी सी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये वाला इक्वेशन लगा रहा हूं, इस पॉइंट का टी बी, इस पॉइंट का वॉल्यूम वी बी दैट इज इक्वल टू टी सी इंटू वी सी गामा माइनस वन। अभी क्लियर? तो टी बी बाई टी सी इक्वल टू क्या हो गया, वी सी अपॉन वी बी टू दी पावर गामा माइनस वन। क्लियर? सेम एडियाबेटिक प्रोसेस एडी के लिए लगाओ, सेम इक्वेशंस फॉर एडी। यहां से लिखेंगे टी डी इंटू वी डी टू दी पावर गामा माइनस वन दैट इज इक्वल टू टी ए इंटू वी ए टू दी पावर गामा माइनस वन। सो यहां से देखना टी डी अपॉन टी ए ऐसे लिख देता हूं, टी ए अपॉन टी डी, टी ए अपॉन टी डी इक्वल टू हो जाएगा वी डी अपॉन वी ए बताओ टी बी बाई टी सी और टी ए बाई टी डी इज इट इक्वल? यस सर, ये दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल है तो ये और ये इक्वल है बच्चों, तो ये इक्वेशंस लिख लिया वन और ये इक्वेशंस लिख लिया टू। सो फ्रॉम वन एंड टू दिस इज इक्वल टू दिस, लिखो। तो बच्चों फाइनली ये दोनों हमने प्रूफ कर लिया इक्वल है, सो एफिशिएंसी कितना आ गया वन माइनस टी ए बाई टी सी। सर वहां एफिशिएंसी वन माइनस टी सी बाई टी ए आता है ना? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, हाँ टी सी बाई टी ए, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे अब ये इक्वेशंस क्या था, टी ए था सर, हीट सप्लाइड है ना, टी ए है। एक सेकंड यहाँ पे उल्टा कर दिया था मैंने, ऊपर टी सी था और नीचे टी ए था, है ना, यहाँ पे टी ए था, ठीक है, लिखने में गलती किया है। तो टी ए टी सी अपॉन टी ए, ठीक। यहां से देखना हीट सप्लाइड, सॉरी एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस, यहां पे बस लिखने में उल्टा हो गया था बच्चों, ये करेक्ट कर लेना, टी सी अपॉन टी, और हमने पहले ही बता दिया था टी सी लेस है,
टीबी से, मतलब टीबी और टीए इक्वल, ये हो गया लो टेम्परेचर, ये हो गया हाई टेम्परेचर, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं टी लो एल अपॉन टी हाई. सो दिस इंजन इज वर्किंग दिस, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस किसी इंजन में चल रहा है उसको कार्नोट इंजन बोलते हैं. तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, ये लोएस्ट टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है. तो इफिशियंसी इस कार्नोट साइकिल का ये है, अगर कोई दूसरा इंजन, अगर कोई दूसरा इंजन इसी दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है उसका इफिशियंसी इससे कम ही होगा. तो कार्नोट साइकिल है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वर्किंग बिटवीन कार्नोट साइकिल विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर TH and TC. Any other engine will have efficiency less than this. और efficiency one कब होगा बच्चों, जब TL, और ये T किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए. Efficiency one कब हो सकता है, जब TL जो है वो जीरो है. देखो ये हाई टेम्परेचर पे हम यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं, तो इसको कभी कभी बोलते हैं सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर बोलते हैं सोर्स का टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे वो हीट रिलीज करता है, तो उसको बोलते हैं सिंक टेम्परेचर. इसको बोलेंगे लो टेम्परेचर या सिंक टेम्परेचर, और इसको बोलेंगे हाई टेम्परेचर या सोर्स टेम्परेचर. बॉडी म्यूट कर लो. तो बच्चों ये मेडिकल के लिए ना बहुत ही फेमस रिजल्ट है, मेडिकल वालों एकदम रट्टा मार लो इसको. इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल ये होता है. एनी अदर इंजन विल हैव इफिशियंसी लेस देन दिस वर्किंग बिटवीन दिस टू टेम्परेचर. Any other engine sir? हाँ बोलो सर. वो डिनोमिनेटर को क्या बोला है सर आपने, सिंक टेम्परेचर और ये सिंक टेम्परेचर, ये सोर्स टेम्परेचर, सोर्स जहां से हीट दे रहे हैं. ओके सर, ठीक है. हर सर लिख लिया? हाँ सर. ठीक, तो छोटा सा सवाल लिखो मेडिकल लेवल का. आज अटेंडेंस अभी लेता हूं मैं थोड़ी देर में. लिखो ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सी टू 27 डिग्री सी. सर देख नहीं रहा. इफ ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी, व्हाट कुड बी मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन. What could be maximum possible efficiency of this engine? Efficiency is equal to क्या लिखेंगे? Maximum possible. हमने कहा ना Carnot cycle का maximum efficiency होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. तो E is equal to हो जाएगा 1 minus 1/4
30 डिग्री कितना होता है 27 लिखूं क्या, ये सही है क्या? टी लो टेम्परेचर ये है और ये 127 है, इज इट करेक्ट? नो सर। यार तुम लोग तो ब्रिलियंट हो गया यार सब, ये करेक्ट नहीं है बिकॉज दिस मस्ट बी इन केल्विन है ना, तो लिखेंगे 1-27 डिग्री सी हो जाएगा 300 केल्विन, 127 हो जाएगा 400 केल्विन, सो 3/4 वन में से गया 1/4, दैट मींस अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 1/4 × 100% है ना, 25% एफिशिएंसी है, सिर्फ 25%। दैट मींस अगर हमने कार्नोट साइकिल को 127 डिग्री पे हीट दिया है 100 जूल है ना, तो उसका आउटपुट जो आएगा कार्नोट साइकिल में अगर करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 25 जूल का वर्क जो करेगा, बाकी 75 लो टेम्परेचर पे सिंक टेम्परेचर पे वो रिलीज कर देगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, शायद हमने एफिशिएंसी समझाया था, तो सिर्फ 25% एफिशिएंट, ओनली 25%। कोई सवाल ऐसे पूछ दे कि एक हीट इंजीनियर जो 127 से 27 डिग्री के बीच में वर्क कर रहा है उसका एफिशिएंसी 40% है, तो क्या कहोगे तुम? कहोगे वो रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे हीट इंजन वैसा डिवाइस है विच ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी पार्टली इनटू वर्क, पार्टली को लिखा बिकॉज जितना एनर्जी देंगे सबका सबको वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, 100% इफिशियंसी किसी इंजन का नहीं हो सकता, तो इसको कहेंगे हीट इंजन। तो हीट इंजन का क्या होता है, एक आइडिया बता रहा हूं कैसे ये वर्क करता है बच्चों। ये हाई टेम्परेचर जिसको हमने सोर्स कहा, सोर्स हाई टेम्परेचर से दिस टेक्स सम एनर्जी, लेट्स ये एनर्जी लिया है QH, और ये एनर्जी लेने के बाद दिस विल परफॉर्म सम वर्क और दिस लॉसेस एनर्जी एट लो टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं सिंक। लेट्स ये लो टेम्परेचर पे कोल्ड टेम्परेचर पे QC एनर्जी रिलीज कर दिया, सो दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ हीट इंजन बच्चों। हाई टेम्परेचर पे एनर्जी लिया QH, इसमें से कुछ वर्क किया है W, और लो टेम्परेचर पे एनर्जी को रिलीज कर दिया QC रिलीज कर दिया। तो बताओ इफिशियंसी कैसे डिफाइंड होगा, ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं, हाउ इफिशियंसी विल बी डिफाइंड, हमें तो चाहिए उसने कितना वर्क किया और डिवाइडेड बाय W upon QH। इज इट क्लियर टू ऑल? मेडिकल वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आज W upon QH, ये QC नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं W इज इक्वल टू, क्या तुम बता सकते होगा QH - QC? W = QH - QC बिकॉज W क्या होता है, नेट हीट सप्लाइड के बराबर होगा, साइक्लिक प्रोसेस होता है। W क्या है, QH - QC डिवाइड बाई QH, तो इफिशियंसी इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं 1 - QC upon QH। QC क्या है, हीट रिजेक्टेड एट लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर या सिंक टेम्परेचर, सबके नोटबुक में चेक करूंगा।
और QH क्या है? हीट एब्जॉर्ब एट हाई टेम्परेचर. कृष्णा सिंह पूछ रहा है कि सर आपने अभी जो रॉन्ग बताया कि रॉन्ग स्टेटमेंट है वो नहीं समझा उसको. मैं थोड़ा सा साइड में समझा देता हूं. कहा एक हीट इंजन जो है 127 डिग्री और 27 डिग्री सी के बीच में काम कर रहा है, एक हीट इंजन. और किसी ने कहा, कृष्णा तुम्हारा दोस्त कौन है? यश का कुश्ती. यश का कुश्ती. यश, हाँ यश उसका बड़ा फेवरेट दोस्त, दोनों बगल में बैठे रहते हैं. तो यश, यश ने कहा कि कृष्णा एक इंजन है हमारे घर पे, पापा ने बनाया है, और इतना टेम्परेचर पे हीट देता है, इतना टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे वो हीट रिजेक्ट करता है, और उसका एफिशिएंसी जो है ना वो 40% है ना. तो तुम क्या कहोगे? रॉन्ग है. रॉन्ग है क्योंकि कहोगे कि तुम्हारे पापा ने कुछ और कहा होगा, 4% कहा होगा, तुम 40 अपने मन से जोड़ दिए 01. हाँ सर समझ गया. मतलब इस दो टेम्परेचर के बीच में वर्क करने का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी था वो कार्नोट साइकिल का होगा, और वो होगा 25 है ना, 25%. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. हाँ, efficiency is equal to, हमने क्या बताया, 1 minus QC. QC is the heat rejected at cold temperature या sink temperature या low temperature. QH is heat absorbed at high temperature. तो ये flow chart बना लो. Clear? हाँ सर. अगर बात करें ये हो गया जनरल हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन के लिए यही रहेगा W/QH या 1 minus QC/QH. दिस इज एफिशिएंसी है ना, लिख लो इसको अच्छे से. एफिशिएंसी को मैंने E लिखा है, मैक्सिमम जगह पे ईटा भी रहता है बच्चों, ईटा एफिशिएंसी के लिए. ईटा इज इक्वल टू 1 minus E और ईटा से डिनोट करते हैं. ईटा एन लिखना है और इसकी पूंछ बड़ा कर देनी है. एक सवाल लिखो. ए हीट इंजन, हीट इंजन टेक्स 100 कैलोरी एंड 100 कैलोरी एट हाई टेम्परेचर एंड रिलीज 40 कैलोरी एट लो टेम्परेचर. फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. फाइंड एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन. अमृता बताना क्या आंसर होगा इसका. नेक्स्ट लिखो बच्चों, रेफ्रिजरेटर. सर पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 60% सही था ना, उसका क्या हो जाएगा 60%? ऐसा मुझे तो लगा कि सारे बच्चों ने मैसेज कर ही दिया. क्या था? 1 minus QC/QH, 1 minus 40/ कितना था? 100. 0.6% में तो 60% efficiency. बच्चों जो रेफ्रिजरेटर है ना,
ये इनवर्स ऑफ द हीट इंजन है, ये रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का जस्ट उल्टा है, रिवर्स ऑफ द हीट इंजन। तो कहोगे सर एक बार समझा ही दो हीट इंजन भी फिर से। हीट इंजन में क्या किया था हमने, हाई टेम्परेचर पे इनर्जी लिया और इसने कुछ वर्क परफॉर्म किया, और लो टेम्परेचर पे इसने क्या किया, सिंक टेम्परेचर पे ये क्यूसी इनर्जी रिलीज कर दिया। अब देखना सारे बच्चे समझना, यहां पे हाई टेम्परेचर ये इंजन है, सिंक टेम्परेचर या लो टेम्परेचर लिख देता हूं। बच्चों यहां पे देखना है, हम सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पे लो टेम्परेचर पे सिंक टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे हीट रिलीज कर रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, क्या करते हो तुम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखते हो, चाहते हो वो ठंडा हो जाए, ठंडा रहे, है ना, तो उसका उससे इनर्जी लेता है, लो टेम्परेचर से इनर्जी लेगा वो। तो यहां लो टेम्परेचर इनर्जी रिलीज कर रहा था, यहां पर लो टेम्परेचर पर इनर्जी लेगा, क्यूसी लेगा, इट विल टेक, और हाई टेम्परेचर पे ये रिलीज करेगा, सराउंडिंग में छोड़ देता है। फ्रीजर के रेफ्रिजरेटर के पीछे जाओ, फ्रीजर के पीछे तो तुम्हें गर्म हवा लगेगी, कोई किया ये देखा है, सॉरी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया क्या कि रेफ्रिजरेटर के पीछे जाओ तो थोड़ी गर्म हवा निकलती है? यस सर। हाँ तो क्या करता है रेफ्रिजरेटर, क्या करता है बच्चों ध्यान से सुनना, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर पे छोड़ देता है। देखो ये पॉसिबल कैसे है, लो से ले, एक्चुअली हीट तो क्या होता है ऑटोमेटिकली कहां से कहां फ्लो होता है, हाई टू लो, लेकिन लो से हाई कैसे फ्लो हो जाएगा, है ना, लो से हाई कैसे फ्लो हो जाएगा। जैसे अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए फ्री तुम लोगों को, तो तुम क्या करोगे, खुद से पढ़ोगे थोड़े ही, खेलने चले जाओगे। अगर तुम्हें पढ़ाना है तो एक एक्सटर्नल एजेंट, हमारा तुम्हारे मम्मी पापा का एक एक्सटर्नल का फोर्स होता है तभी पढ़ने बैठते हो, है ना। कोई बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का कोई फोर्स है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। कौन वर्क करेगा, बाहर से करेगा वर्क, ये नहीं वर्क करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी हूं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। तो क्या होगा बच्चों, सम वर्क शुड बी डन, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तभी लो टेम्परेचर से हीट लेकर के हाई टेम्परेचर पे छोड़ेगा। देखो सब उल्टा हो गया कि नहीं, एरो यहाँ का एरो ऊपर, यहाँ का एरो इधर, यहाँ का एरो इधर, दिस इज रेफ्रिजरेटर। क्लियर, गार्गिन बताया उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया अपने नोटबुक में, मैं आज चेक करूंगा जितने बच्चे सेंटर पे होंगे। अच्छा बच्चों यहां पे बताना, यहां पे हम इफिशियंसी ने डिफाइन करके बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम रेफ्रिजरेटर को अच्छा कब बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर को अच्छा तब बोलेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी लो टेम्परेचर से ले और हम कम से कम काम करें, है ना। मैंने थोड़ी सी डांट लगाई और तुम खूब सारा पढ़ाई किया, मतलब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इजंट इट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन करेंगे, कैन एनीवन टेल मी, यू सी अपॉन क्यू, हाउ वी विल डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या होना चाहिए, QC ज्यादा होना चाहिए। तो QC जितना ज्यादा ड्रॉ करे, जितना ज्यादा तुम पढ़ाई करो और हमारा इफर्ट जितना कम लगे, W, QC by W is called coefficient of performance of refrigerator, क्लियर।
सर। और बच्चों यहाँ पे देखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से साइक्लिक प्रोसेस होगा, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखा है, जो कूलेंट रखा हुआ है वही चल रहा है, तो वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो रहेगा, तो यहां भी क्या देगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो वर्क डन भी निगेटिव है, देखो इन कर रहा वर्क डन ऑन द गैस है, ये निगेटिव और ये आउट जा रहा है और ये इन कर रहा है, तो ये आ जाएगा वर्क डन ऑन द गैस QH आउट जा रहा है और QC इन कर रहा है, दिस विल बी द रिलेशन। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो QC अपॉन W को लिख लेते हैं QH माइनस QC, और इसको उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन QH बाई QC माइनस वन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एम आई राइट? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर ये रेफ्रिजरेटर भी कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर अगर होगा तो देखो उसमें क्या आता है बच्चों, वन अपॉन सॉरी इफिशियंसी वन अपॉन क्यूसी बाई क्यू एच ना, और वो होता कितना है कार्नोट साइकिल के लिए, टीएल अपॉन टीएच, मतलब इतना इक्वल टू ये था क्यूसी बाई क्यू एच का होता है TL by TH में, TL by TH के, कब, for Carnot cycle, Carnot cycle, only Carnot cycle, तो अगर Carnot refrigerated है, for Carnot refrigerator, coefficient of performance क्या हो जाएगा, 1 upon TH minus TH by TC, TH by TC को ऐसे लिख दे तो डायरेक्टली लिख लेता हूं TC by TH minus TC, इसको लिख लिया, इज इट क्लियर, इसको लिख दिया TH by TC, कब लिखेंगे, जब कार्नोट रहेगा, अदरवाइज नहीं लिखेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेटर में, तो ये हो जाएगा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को ही बोलते हैं हीट पंप भी, हीट पंप मतलब हीट पंप किया, लो टेम्परेचर से हीट निकाला और हाई टेम्परेचर छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मोलर हीट कैपेसिटी, सॉलिड सर, कैपेसिटी के आगे क्या लिखें, क्या, एक क्या लिखा, डुलोंग्स डुलोंग्स पेटिट्स लॉ, ये बताता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ फॉर सॉलिड। जब हम लोग ने हीटा सॉरी कैलोरीमेट्री डिस्कस कर रहे थे ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस किया था,
a specific heat capacity. मतलब हम वहां पे लेते थे एक केजी के मास का टेम्परेचर वन डिग्री से इंक्रीज करने के लिए कितना हीट चाहिए, उसको बोलते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब हम डिस्कस करें मोलर, एक मोल. लेकिन अगर एक मोल हम सॉलिड लिए, आयरन का लेंगे तो कुछ मास अलग होगा, कॉपर का लेंगे तो अलग होगा, सोडियम का लेंगे तो अलग होगा. तो मोलर हीट कैपेसिटी देखा गया, इन्होंने क्या देखा कि हर सॉलिड का मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो लगभग सेम है. तो लिखो, ही ऑब्जर्व दैट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड आर ऑलमोस्ट इक्वल. And it is equal to, कोई बता सकता है कितना होता है मोलर हीट कैपेसिटी? सृष्टि राशि एनसी डेल्टा टी. नहीं, ये तो मैं वो पूछ रहा हूं जो पहले कोई पढ़ा हो. मोलर हीट कैपेसिटी सारे सॉलिड का होता है रफली 3R. क्या बात है, गार्गी बताई. हाँ, क्या बात है गार्गी, 3R होता है. तो ये रट्टा मार लो बच्चों, कहोगे सर कैसे होता है, क्यों होता है 3R, तो थोड़ा सा समझा देता हूं. सॉलिड में कोई एक एटम कंसीडर करो, तो इसके इधर भी एक एटम होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऑल डायरेक्शंस में. तो इसको ना तीन डायरेक्शन लेते हैं कि एक इधर है, एक इधर और एक इधर है. तो एग्जैक्टली ये वाइब्रेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये ट्रांसलेशनल तो होगा नहीं क्योंकि सॉलिड है. सॉलिड है तो एज ए होल इधर उधर तो मूव नहीं कर रहा है, वीएक्स वीवाई वीजेड नहीं होगा. क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा. सो इधर वाइब्रेट करेगा, इधर वाइब्रेट करेगा, और इधर वाइब्रेट करेगा. कितने डायरेक्शन हो जाएंगे वाइब्रेशन का इंडिपेंडेंट डायरेक्शन? So, atoms क्या करेगा बच्चों, atoms will vibrate three independent direction. कितने direction vibration का? Three independent direction. और जब मैं degree of freedom पढ़ा रहे थे, degree of freedom पढ़ा रहे थे तो vibrations corresponding, एक vibration corresponding two बताया था degree of freedom. मतलब कहने के बाद दो वे में एनर्जी रखेगा, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल, ऐसे कर रहा है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल. इज इट क्लियर? ऐसे सोचो कि यह स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग तो ऐसे लेते हैं, ये तो रेजिस्टेंस जैसा हो गया था. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो 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 कितने हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6. और यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू इज इक्वल टू होता है आर टी, है ना, एन भी लिख लिया यू. तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N, ऐसे भी लिख लेते हैं C, C भी कितना हो जाता है F by 2R, F कितना हो गया 6, तो 6/2R. तो सबको याद हो गया 3R हो जाता है मोलर हीट कैपेसिटी. है Why we are taking the CV, CP क्यों नहीं ले रहे हैं, CP CV सेम ही हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रहा गैस. सॉरी, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम में चेंज ज्यादा नहीं होता है. तो एक ही मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करता है.
उसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही लेते हैं, प्रेशर भी कांस्टेंट ही रखते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। तो मोलर हेड कैपेसिटी सबका ये हो गया। अगर कोई पूछा जाए नहीं स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालना है तो एक मोल मतलब एम ग्राम का इतना है तो एक केजी का कितना होगा तो उससे निकाल लोगे। एक रह गया मीन फ्री पाथ पढ़ाना, तो इसको भी आज कंप्लीट करते हैं। ये केटीजी का कॉन्सेप्ट है, हमने केटीजी में बताया था, यहां पे बता देता हूं मीन फ्री पाथ। क्योंकि ये होता क्या है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ का मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अंटिल अनलेस किसी से कोलाइड न करे। तो ये जब तक किसी से कोलाइड नहीं किया तब तक सीधे चला, मान लो ये चला है लैम्डा वन डिस्टेंस, लैम्डा वन डिस्टेंस और कोलाइड किया, फिर इसके बाद ये कुछ इधर डायरेक्शन हो गया, फिर फ्रीली मूव किया है तो ये लैम्डा टू चला है, फिर कहीं तीसरे जगह से कोलाइड किया लैम्डा थ्री चला, तो अलग अलग कोलिजन्स के बीच में फ्रीली वो कितना डिस्टेंस चला, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। तो मीन फ्री पाथ कैसे बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, मीन का मतलब एवरेज, दैट मींस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। लिख लो पहले इसको ऐसे, एक और होता है बच्चों टाउ मीन, टाउ मीन पूछा जाए तो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो मान लो इसको लगा है टी वन टाइम, इसमें लगा टी टू टाइम, इसमें लगा टी थ्री टाइम, तो टाउ मीन क्या कहेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। ये हो गया कंसेप्ट ऐसे। मैं यही चीज टाउ मीन मीन फ्री पाथ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेता हूं, डेफिनेशंस तो हमने बता दिया, लेट्स कंसीडर ए गैस मॉलिक्यूल्स। हालांकि इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना, क्योंकि रिजल्ट मुझे भी याद नहीं रहता तो इसलिए मैं डिराइव नहीं करता हूं। मान लो कि इसका रेडियस जो है या डायमीटर डी है एक मॉलिक्यूल्स का, थोड़ा बड़ा बना लूं क्या, डायमीटर डी है और ये कुछ वी वेलोसिटी से मूव करता है, डी रेडियस का एक सिलेंडर कंसीडर करो, डी रेडियस का, देखना मेरे इस आइडिया को, डी रेडियस का एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करो, इमेजिनरी, सर इससे क्या फायदा है, क्यों कर रहे हो? अगर बच्चों ये कोई मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका सेंटर इस सिलेंडर के अंदर है, जिसका सेंटर इस सिलेंडर से अंदर है
ऐसा ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, जब ये मोशंस के दौरान इससे कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल सपोज वन है, ये मॉलिक्यूल टू है, अगर ये मूव कर रहा है तो किससे कोलाइड करेगा, दोनों से या किसी से नहीं या एक से? ओनली टू. सबको क्लियर कि ओनली टू से ये कोलाइड करेगा, क्योंकि इसके इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो बी से कम है, तो ये कोलाइड कर जाएगा, इससे कोलाइड नहीं करेगा. है ना? तो अगर मैं पूछूं कि एक सेकंड में, सपोज ये वी डिस्टेंस चला है एक सेकंड में, बाकी मॉलिक्यूल्स को मैं मानता हूं कि रेस्ट में है, हालांकि वो भी मूव कर रहा है, बट सोचो कि बाकी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है, सब अपने अपने जगह पर है, सिर्फ ये वी स्पीड से चला है, तो ये कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन इन वन सेकेंड. सारे बच्चे सुनना, तुम कहोगे सर जितने मॉलिक्यूल्स का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर है, नंबर ऑफ कोलिजन इन वन सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाइज इन द इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ रेडियस डी. डी क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है. इमेजिनरी सिलेंडर का रेडियस डी एंड लेंथ वी. वी क्या है? एक सेकंड में यह वी डिस्टेंस चलेगा. तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तुम कहोगे सर बहुत सिंपल सा है. अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास एन है और टोटल वॉल्यूम हमारा जो गैस सिलेंडर लिया है, जो कंटेनर लिया, उसका वॉल्यूम टोटल वी है, तो एन बाय वी हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम. मुझे कितने वॉल्यूम में चाहिए? पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर इंटू वी. ये वी हो गया स्पीड, ये वी हो गया वॉल्यूम. नंबर ऑफ कोलिजन इन वन सेकेंड, दैट मीन्स इसी को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. इज इट करेक्ट? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बच्चों क्या आ गया? पाई डी स्क्वायर इंटू वी अपॉन कैपिटल वी, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां तक क्लियर तो लिख लो. लेकिन एक्चुअली इसमें हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था बच्चों की ये मूव करा और ये सब रेस्ट में है, बट ऐसा नहीं है. ये मूव करा, ये भी मूव करा, ये भी मूव करा, सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. इफ वी कंसीडर द मोशन ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली यहाँ पे v के जगह पे v रिलेटिव लेंगे, और v रिलेटिव जो आ जाएगा, चूंकि सबका रैंडमनेस है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो v शुड बी रिप्लेस्ड बाय v रिलेटिव वॉल्यूम या स्पीड है, और वो हो जाएगा रूट टू वी. सर वॉल्यूम है या स्पीड है? ये स्पीड ना, स्पीड वाला, अगर सारे मॉलिक्यूल्स मूव करें तो जो स्पीड है, इस सबको रेस्ट में माना था तो सिर्फ कहा था कि ये वी डिस्टेंस चला है, बट ये सब भी तो मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ये सिर्फ वी के जगह पे, स्मॉल वी के जगह पे रूट टू वी आ जाएगा. वी को क्या रिप्लेस कर देना है? रूट टू वी. So what will be the frequency of collision? ये नोटबुक में जरूर लिख लेना. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू क्या आया था?
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू पाई डी स्क्वायर इनटू रूट टू स्मॉल वी, यही आया था ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो नंबर इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू रूट टू वी अपॉन कैपिटल वी. कैपिटल वी को ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी. कैपिटल वी को एन एन गया, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या बोल देंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बोल देंगे एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एन ए अपॉन आर टी पाई डी स्क्वायर रूट टू वी इंटू कैपिटल पी. क्लियर? अब मेडिकल बैच, इंजीनियरिंग बैच में भी इनफैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि प्रोपोर्शनल है कि रूट टू रूट टी का प्रोपोर्शनल है कि रूट वन बाई टी का प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली. फॉर आइसोबारिक प्रोसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी की प्रोपोर्शनल टू टी की प्रोपोर्शनल टू रूट टी की प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट टी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वन बाय टी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. जो बता दिया उसको चॉकलेट एक मिल जाएगा. ए ऑप्शन. For isobaric process, frequency of collision is proportional to what? देखो ये तो constant है, Na constant है, pi d square जो भी molecules है वो तो constant है, R constant है, ये v है, ये v जो है speed, ये speed किसके proportional है? ये स्पीड प्रोपोर्शनल है रूट टी के, और यहां भी टी है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो वन बाय टी कहना जो बच्चे ए बोल रहे थे वो गलत आंसर है. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी. बी सही हो जाएगा. किसी ने डी बोला था? हाँ, तुम ध्यान नहीं दो, मैं बताते रहूं चार बार पांच बार क्या चलता है. सर तो टेप रिकॉर्डर है, बस चालू कर दो स्टार्ट हो जाएंगे. मैंने बताया कि अगर कह दिया है कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस तो पी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, ये वी रह गया वी और टी, तो जो स्पीड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रूट टी का होता है कि नहीं? स्पीड हाँ. तो यहां रूट टी है और यहां पे टी है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफेक्टिवली? वन बाय रूट टी के. क्लियर? हमने हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पूछा, नीट में आ जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल टाउ मीन, टाउ मीन किसके प्रोपोर्शनल है? रूट टी देगा, तो टाउ मीन जो हो जाएगा वो रूट टी. क्लियर? तो टाइम पीरियड जो लिखेंगे, टाइम पीरियड या एवरेज टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट इज इक्वल टू वन बाई एफ.
बच्चों इसको एकदम ध्यान में दे देना, ये फॉर्मूला जैसे भी लिखा है दो तीन तरीके से, एक तरीका तो याद कर लेना, देन यू कैन कन्वर्ट इट। लेकिन तुम कहोगे सर आपने तो स्टार्ट क्या किया था, मीन फ्री पाथ पढ़ाने के लिए, मीन फ्री पाथ तो पढ़ाए ही नहीं। बच्चों मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा, लैम्डा मीन दैट इज इक्वल टू वी इनटू टाउ मीन, वी इनटू टाउ मीन। अभी बताओ वन बाय एफ क्या लिखेंगे टाउ मीन, वी इनटू कितना था, ये ऊपर में कैपिटल वी था और नीचे में क्या पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर इनटू रूट टू वी इनटू एन, ऐसे ही था ना? हाँ सर। यस। तो ये और ये गया, सो टाउ मीन इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी अपॉन पाई डी स्क्वायर रूट टू पाई डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाउ मीन वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, अब कोई कह दे कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस केस में या कोई भी प्रोसेस है तो टाउ मीन किसके प्रोपोर्शन होगा, सिंपली ये ध्यान देना वॉल्यूम के प्रोपोर्शन है, और भी कुछ जो भी चेंज करेगा तो वो ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला होगा। V को लिख सकते हो nRT by P, तो लिख सकते हैं रूट टू पाई डी स्क्वायर, n को n लिख लेंगे और स्मॉल n कट जाएगा अपॉन P, तो T by P हो गया है ना। तो या तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल को या T by P के प्रोपोर्शनल को, ऐसे कर सकते हैं। बस छोड़ो दो मिनट और, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये तुम लोग नोट डाउन करोगे, एचसीवी से पढ़ोगे, पेज नंबर 43 पे है, तो खुद से पढ़ लेना। नाउ वी विल फिनिश, वी आर फिनिशिंग द हीट एंड थर्मो सिलेबस, सारा बुकलेट जो केटीजी और इसका पूरा बुकलेट कंप्लीट करो जितना जल्दी होगा, देन आई विल गिव द असाइनमेंट।